क्रिकेट के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जो कारनामा सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने कर दिया। 9/4 ओवर में 167 रन बना दिए बिना किसी विकेट को कोई। अभिषेक शर्मा और टेड का यहां पर तूफान देखने को मिला और टीम की ऐतिहासिक जीत को देखने के बाद टीम की मालकिन काव्य मारन ने अपना दिल खोलते हुए दोनों ही खिलाड़ियों को मालामाल कर दिया। तो चलिए बताते हैं क्या कुछ कहा दोनों पर काव्या ने। लेकिन अगर आप भी हेड और अभिषेक को एक आक्रामक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोनों के बीच इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ की टीम की शुरुआत तो अच्छी नहीं रही। डिकॉक दौरान बनाकर आउट हुए थे, स्टोइनिस भी सिर्फ 3 रन ही बना सके। राहुल ने धीमी गति से बल्लेबाजी गई और 33 गेंद में 29 रन बनाए। अंत में पूर्ण ने 26 गेंद में 48 रन की तेज पारी खेली तो 30 गेंद में 55 रन बडोनी ने भी लगाए, जिसके चलते टीम 20 ओवर में 165 रन तक पहुंच पाई। और उसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत बेहद ताबड़तोड़ रही। हर बार की तरह अभिषेक शर्मा और हेड का तूफान पहले ही ओवर से देखने को मिला। हर एक गेंदबाज को अपना शिकार बनाया गया। चौके और छक्कों की शुरुआत में ही बारिश हो रही थी। बल्लेबाजी इतनी ज्यादा आक्रामक थी कि सिर्फ 16 गेंद में ट्रेविस हेड ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। 5 ओवर में टीम 80 के आंकड़े को पार कर चुकी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों ही तरफ से बल्लेबाजी में तूफानी सिक्स देखने को मिले। अभिषेक शर्मा ने 28 गेंद में 75 रन की नाबाद पारी खेली तो वहीं ट्रेविस हेड ने 30 गेंद में 89 रन ठोक दिए और अपनी टीम को 10 विकेट से 62 गेंद शेष रहते ही जीत दिला दी। टीम की जीत के बाद काव्य मरण इतनी ज्यादा खुश नजर आ रही थी कि बीच मैदान में ही उनके खुशी के ठिकाने बता रहे थे कि वह अपनी टीम के प्रदर्शन के कितने ज्यादा खुश थी। उन्होंने इस बीच दोनों ही खिलाड़ियों को मालामाल करने की बात कह दी है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की यह खुशकिस्मती है कि उनके पास ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाज हैं। उन्होंने कहा इस बार इन दोनों ही बल्लेबाजों ने वह नायाब रिकॉर्ड बनाए हैं जो पहले क्रिकेट के इतिहास में तो कोई भी टीम नहीं बना सकी है। पहले हमारी टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब से इन दोनों खिलाड़ियों को डोट अपनी टीम में शामिल किया है, काया ही पलट चुकी है। इतनी जल्दी दोनों खिलाड़ी मैच खत्म कर देंगे मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन यह हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। जिस तरह का प्रदर्शन इस बार इन दोनों खिलाड़ियों ने कर है, इन्हें मैं हर बार रिटेन करूंगी, चाहे मुझे 20 करोड़ रुपए भी क्यों ना लगाना पड़े, चाहे कितनी भी मोटी रकम क्यों नहीं लगाने पड़े। इन दोनों खिलाड़ियों का साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी और उन्हें अपनी टीम सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा बनाऊंगी, क्योंकि टीम प्लेऑफ में जाने के लिए तैयार है और इसका सबसे ज्यादा श्रेय दोनों खिलाड़ियों के साथ टीम के कप्तान पेट कमिंस को भी जाता है। आप टीम की मालकिन काव्य मरण की बात से तो यही लगता है कि वह अगले सीजन में भी दोनों को मालामाल करने वाली है, क्योंकि दोनों ने प्रदर्शन भी टीम के लिए कुछ ऐसा ही किया है। वैसे आप सभी दोनों की आक्रामक बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।